Now I request our honorable chairman, Dr. Dhananjay to bless us with his inspiring words. A huge round of applause for him. दो साल के बाद में हम लोग एनुअल प्रोग्राम के लिए मिल रहे हैं ज़्यादा टाइम आपका ने आल टाइम लेट हो चुका है हम लोग आप लोग और हम लोग भी बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं एनुअल डे होता है साल भर एक ही बार मैनेजमेंट और आप हम लोग मिलते हैं अभी आपने यहाँ पे एक चार पाँच मिनट का ये भी देखा कि मैनेजमेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या है मैनेजमेंट क्या ग्रो कर रहा है साथ साथ में 2009 से कैम्ब्रिज का स्टार्ट हुआ राइट नो हम 2022 में हैं तो जैसा अभी राम सर ने बता दिया कि 2026 तक पी सर पुणा के मोस्ट इमरजिंग स्कूल बोल के हम आगे आ रहे हैं टाइम ज़्यादा होने के बावजूद भी बोलना इसलिए जरूरी है कि आप लोग बहुत कम समय में मैनेजमेंट को मिलते रहते हैं मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा रिपोर्ट कार्ड आप लोगों ने पढ़ा है हम लोगों की हमेशा कोशिश रही है कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करें भले एकेडमिक रहे ओवरऑल डेवलपमेंट रहे या स्पोर्ट रहे मैं हमेशा एनुअल गैदरिंग पे जितने लोग मिलते हैं उनको बोलते रहता हूँ कि एकेडमिक की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दो स्पोर्ट की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ो और आपको सब लोगों में थैंक यू बोलना चाहता हूँ इसलिए कि लास्ट बहुत साल से आप लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है विश्वास रखा है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ आज इस मंच के ऊपर कि आपका यकीन आपका ट्रस्ट मैनेजमेंट कैम्ब्रिज ग्रुप कभी भी आपका ब्रेक नहीं होगा बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कंटिन्यूस नए चीज़ें लेके आ रहे हैं नए इंफ्रा लेके आ रहे हैं नए थिंग्स लेके आ रहे हैं और मुझे आज बहुत बड़ा प्राउड है कि पी के अंदर जितने भी इंटरनेशनल लोकल स्कूल है उस स्कूल के अंदर कैम्ब्रिज आज नंबर वन इसलिए है कि स्पोर्ट के मामले में अकेडेमिक में अगर आपने थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखा तो लास्ट करीबन तीन साल के अंदर मोर देन अलग अलग लोकेशन इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कैम्ब्रिज ने अलग अलग अवार्ड भी जीते हुए रिगार्डिंग एनप्रा एकेडमिक अक्याद, स्पोर्ट के लिए हम लोग नॉर्मली नाइन्टी परसेंट लोग पीटीए मीटिंग या ओपन डे पे मिलते रहते हैं और उसमें भी नाइन्टी नाइन परसेंट लोग के अंदर फीमेल ज़्यादा होती है आज भी यहाँ पे अगर देखा गया तो ज़्यादा ज़्यादातर क्वान्टिटी मम्मी लोगों का है नॉर्मली नेचर है कल्चर है कि बच्चे के सामने डैडी का नाम फंस आता है बाद में सर नेम आता है लेकिन डैडी का क्या होता है नॉर्मली इंक्लूडिंग मी ऑल्सो कि हम लोग हमारे नेटिव प्लेस से पूना में आते हैं कोई बिजनेस करता है कोई जॉब हो जाब करते हैं यहाँ पे और पूना के अंदर आने के बाद में हम हमारे पूरे लाइफ के अंदर हमारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं और हमारा एक ही थॉट रहता है कि हम हमारे बच्चों के लिए जो चीज़ें हमें नहीं मिली एज ए पेरेंट वो हमारे बच्चों को मिले और हम लोग सब हार्डवर्क करते हैं लेकिन इसमें एक छोटी चीज़ होती है क्या कि स्कूल देके एनुअल रिपोर्ट देके फंक्शन देके नॉर्मली 90 परसेंट मम्मी लोग ही अटेंड कर देते हैं डैडी लोगों का एक ही रहता है कि मैं कुछ जॉब करूं मैं कोई बिजनेस करूं और बच्चे के एक बार फीस भर दिया तो बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी लोगों की होती है लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप आप अभी आगे बढ़ रहे बच्चे आपके आगे बढ़ रहे हैं लास्ट एटीन ईयर से हम लोग एकेडमिक में काम कर रहे हैं मेरे पास स्कूल है मेरे पास मैनेजमेंट कॉलेज है जितने मैनेजमेंट कॉलेज में जाता हूँ मैं वहाँ पे नॉर्मली नाइन्टी पेरेंट का यही होता है कि बच्चे हमारे सुनते नहीं हैं एक बार बच्चों ने सेवन एथ नाइन्थ क्लास कवर कर दिया स्लोली स्लोली बच्चा डैडी मम्मी से थोड़ा दूर जाता है टेन के बाद तो बच्चा मिलना ही मुश्किल होता है डैडी मम्मी के लिए तो कहा ना कहा हमारा एज अ स्कूल ही है ना आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो हमारा काम है आपको थोड़ा अलर्ट करें हम आपको बता दें अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा कि कुछ लोग बोलेंगे सर क्या करे पैसा कमाना है जॉब करना पड़ेगा जो बिजनेस करना पड़ेगा स्कूल की फीस भी भरनी है बहुत सारे खर्चे भी हमें करने हैं लेकिन साथ साथ में हम ये लोग भूल जाते हैं कि हम लोग जॉब क्यों कर रहे हैं हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं हम बोलते हैं कि बच्चों के लिए कर रहे हैं लेकिन सही में एज अ डैडी एज अ फादर एज अ मदर हम बच्चों के भी कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं मैं जानबूझ के बोल रहा कि हम हमें एक घर चाहिए हमें एक गाड़ी चाहिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए हम अठारह घंटा काम करके इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमारी लाइफ की एक्चुअली जो पूंजी है जब एज ए डैडी मम्मी को हमें जब जरूरत पड़ेगी दैट टाइम जो पूंजी हमको रिटर्न देगी वो टाइम हम बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और फिर इसका एंड रिजल्ट होता है कि बच्चे एंड ऑफ एज बढ़ने के बाद में हमें टाइम नहीं देते हैं मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा इसकी बारे में क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बड़े इश्यूज़ है कॉलेज के अंदर हम लोग रोज फेस कर रहे हैं तो थोड़ा हम आपको आज अलर्ट करना बहुत जरूरी यहाँ पे कि सही टाइम में सही वक्त में बच्चा एल से लेके सिक्स टाइम तक जब तक रहेगा तो डैडी मम्मी ने दोनों ने पर्पजली उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है अदरवाइज क्या हो जाएगा जब आप बूढ़े हो जाओगे जब आप बच्चों की आपको जरूरत पड़ेगी आप बच्चों को फोन करोगे यार मेरा एज सिक्सटी हो चुका है मुझे आपकी रिक्वायरमेंट है मुझे आपकी जरूरत है मुझे बाहर जाना है मुझे मेडिकल जाना है हॉस्पिटल जाना है घूमने जाना है तो बच्चा एक सीधा पॉइंट बोलेगा डैडी आपको याद आएगा दो हजार बाईस का एनुअल फंक्शन सबके डैडी आए थे आप नहीं आए थे तो मैं भी आज डैडी बिजी हूं एक काम करो पैसा लो और आप आप खुद हॉस्पिटल जाओ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है डियर पेरेंट्स मुझे मालूम है शेड्यूल बिजी है कंपटीशन बहुत हेवी है लेकिन सही टाइम में सही वक्त पे बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है एक छोटी स्टोरी सुनाता हूं और मेरा पीछा खतन करता हूं मैं वेट कर रहा हूं नॉर्मली हम सब लोग हमारे बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ देख, चीज देखते रहते हैं लेकिन बहुत सारे पेरेंट बच्चों को मैक्सिमम कंपेयर करते हैं तेरा भाई ऐसा है अंकल का भाई ऐसा लड़का ऐसा है इसका लड़का ऐसा है इसका लड़का ऐसा है तो जब हम कंपेयर करते हैं ये बहुत खतरनाक चीज है बच्चों के लिए कंपेयर करना तो छोटी सी आप स्टोरी सुनाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कंपेरिजन में क्या चीजें होते हैं एक एक कौवा होता है और कौवे का कलर काला होता है तो बहुत दुखी होता है कौआ कि मेरा ये कलर काला क्यों है कोई मुझे पसंद नहीं करता जहां पे कुछ झूठा पड़ता है मुझे मुझे वो खाना पड़ता है और एक झाड़ी पे ऊपर कौवा बैठा रहता है और रोता रहता है तो उसी रोड से सुबह मॉर्निंग को एक साधु रहता है वो ट्रैवल करता होता है तो अचानक क्या होता है वो कौवा जो रोता है ना उसका एक छोटा आंसू जो साधु के यहाँ पे पड़ जाता है तो साधु ऊपर देखता है कौन बैठा तो हुआ है तो ऊपर कौवा बैठा हुआ है तो साधु पूछता है कौवे से भाई कौवा तुम क्यों नाराज हो क्यों रो रहे हैं तो कौवा बोलता है साधु जी क्या जिंदगी है ये क्या कुछ काला कलर होता है क्या कोई मुझे पसंद नहीं करता मुझे झूठा खाना पड़ता है कुछ मुझे नजदीक लेता नहीं कुछ मुझे प्यार करता नहीं ये क्या लाइफ है मेरी साधु बोलता है क्या बनना है तुझे बोलो मुझे तो कौवा भी सोचता है बोलता है कि साधु अगर मुझे इतनी ताकत आप में है तो मुझे आप हंस बना दो साधु बोलता है चलो आपको मैं हंस बना सकता हूं लेकिन मेरी एक टर्म है आप हंस बनने के पहले एक बार हंस को जाके मिल के आओ फिर कौवा निकल जाता है हंस के शोध में उसको हंस मिलता है हंस पूछता है हंस भाई क्या तुम्हारी चाल है क्या तुम्हारा ठाल है क्या तुम्हारा नाम है कितने तुम खुश हो हंस बोलता है तुम पागल हो कौ बहुत दुखी हूं मैं अरे यार मेरा एक सफेद का कलर होता है क्या जब पानी के अंदर में बैठता तो मेरा कलर दिखता नहीं है उस उसमें अंदर कोई सेल्फी आती नहीं है ये कोई लाइफ है मेरी तो कौवा पूछता है यार तू भी हैप्पी नहीं नहीं मैं भी हैप्पी नहीं फिर दोनों मिलके फिर साधो के पास आ जाते हैं साधो को हंस बोलता है हम दोनों भी हैप्पी नहीं है फिर साधु पूछता है बोलो अभी आपको क्या बनना है क्या करना है आपको तो ये दोनों सोचते हैं बहुत सारे क्या क्या बने कौन सा बने तो बोलता है पैरट बहुत अच्छी चीज है साधु बोलते हैं कि आप आप हमें पैरट बना दो क्या पैरट कलर होता है क्या चोश होती है घर के अंदर उसको बादाम खाने को मिलता है दालिम खाने को मिलता है तो फिर साधु वही बोलता है कि चलो आपको मैं दोनों को पैरट बनाता हूँ लेकिन एक काम फिर मेरी वही टर्म है कंडीशन है कि आप दोनों जाके एक बार पैरट को मिलो ये दोनों उड़ जाते हैं आकाश के अंदर

लोग मुझे पकड़ के लेके जाते हैं घर के अंदर पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं ये कोई लाइफ है हमारी ये बिल्कुल अच्छी लाइफ नहीं है बोलता तुम कुछ नहीं लाइफ के अंदर बोला मैं भी कुछ नहीं हूँ फिर तीनों लोग मिल फिर बाबा साधु के पास आते हैं साधु बोलते है, साधु पैर भी हैप्पी नहीं है फिर साधु बोलते हैं अभी आ, 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 लास्ट अल्टरनेट है आपको क्या बनना है एक बार सोचो आप तो तीनों डिस्कस कर देते हैं कि चलो क्या बनना है तो बोलते हैं चलो हम मोर बनते हैं आज तक हमने हिस्ट्री में मोर को पढ़ा हुआ है पिकॉक बनते हैं हम लोग क्या उसका नज़ारा होता है कि मोर नेशनल बर्ड है साधु फिर वही बोलता है एक काम करो आप यहाँ से निकलो और एक बार जाके मोर के मिल के आओ फिर लोग तीनों जंगल में जाते हैं एक मोर सामने आता है तो बोलते हैं मोर भाई क्या आपका चाल है लोग आपको दो दो घंटा वेट करते हैं आप जब नाचते वो देखने के लिए किताब के अंदर आपकी पढ़ाई के ऊपर किताब लिखे हुए हैं क्या आपके बड़े बड़े पंख है आपके लोगों के मोर भाई किसने बता दिया कि मैं भी हैप्पी हूं मैं खुश हूं आपको मालूम है दो मिनट कान देके सुनो, सामने से एक छोटी आवाज आ रही है बोला कैसी आवाज आई है एक शिकारी आ रहा है आपको बताने के लिए बहुत दुख हो जाएगा बोला मोर बोल रहा है उसको मेरी मम्मी को कुछ दिन पहले शिकारी ने पकड़ के लिया उसके जिम से जिसम से एक एक पंख को साइड में निकाल दिया और वो मोर पंख आज मार्केट में लोग बेच रहे हैं लोगों के घर में सजा रहे हैं लेकिन मैंने सामने देखा है कि मेरे मम्मी के जिसम से एक एक पुपोर्ण निकाली है ये कोई लाइफ होती है क्या हर वक्त मुझे खतरा हर वक्त मुझे डर है कि मुझे आके कोई मार देगा फिर ये तीनों कौवा पागल होता है यार पैरूट हैप्पी नहीं है हंस हैप्पी नहीं मोर भी हैप्पी नहीं है क्या कर रहे है? फिर ये कौवा पूछता है मोर से पूछता है फिर मोर भाई तुम बता दो कि खुश क्यों नहीं यार क्या बनना है तो मोर का जो जवाब है वो आज आप लोग घर पे कैरी कर सकते हो आपके बच्चों का अंदर देख सकते हैं मोर ने बोला दिया कौवे तुम इतने दिन से घूम रहे रो रहे खुद नशे अगर हम सब में ज्यादा खुश कौन रहेगा तो पगले तू ज्यादा खुश है वो बोल मोर पूछा काव्य ने कैसे खुश मई हूं एक्चुअली बोला आप आज तक आपने कभी सुना है ना मटन बिरयानी सुना है आप लोगों ने सुना है चिकन बिरयानी सुना है आप लोगों ने सुना है आपने आज तक कभी कौवा बिरयानी सुना है नहीं सुना है फिर आपको मरने का डर है क्या नहीं है किसी से डर आपको है क्या नहीं है आप किसी से डर है क्या नहीं है तो दुनिया में सबसे भाग्यवान तुम ही हो हुए है स्टोरी है जो है हम जो है वही बेस्ट है हम सबसे यूनिक है हमसे अलग कोई दूसरा बंदा डुप्लीकेट बंदा यूनिक बंदा वर्ल्ड में कोई भी नहीं तो हमारा हर एक बच्चा उतना ही यूनिक है उसका डुप्लीकेट सेम पीस आपको पूरे दुनिया के अंदर नहीं मिलेगा तो आपको बच्चे के टाइम जो आप संभालते हो बात करते रहते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है आप कि बच्चों की कंपेर किसी मत कीजिए आपका बच्चा रियल में यूनिक है और आप लोगों ने उस बच्चे को उस हीरे को हमारे पास कैम्ब्रिज के अंदर के रखा हुआ है मैं आपको गारंटी दूंगा आज इस स्टेज के ऊपर कि आपके बच्चों के अंदर जो कुछ स्किल डालना है उस स्किल डालने का काम हम करेंगे बस आपको रिक्वेस्ट है जब भी जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी डैडी मम्मी की दोनों भी कैम्ब्रिज के लिए टाइम दिए फिर एक बार थैंक यू जय हिंद जय महाराष्ट्र सो वी